हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये दूसरा पार्ट है लैंड मेजरमेंट यूनिट्स एंड कन्वर्शन का। उसमें मैंने बहुत सारे यूनिट्स की कन्वर्शन बताई थी, एक यूनिट रह गया था हमारा जो है कनाल। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस वीडियो को पहले देखेंगे आप, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आ जाना। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कनाल के बारे में बताऊंगा और मरला के बारे में, दो चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। एक कनाल में कितने मरला होते हैं, एक कनाल की कन्वर्शन क्या है और मरले की कन्वर्शन क्या है वो बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो दोस्तों, एक कनाल में होते हैं 20 मरला और एक कनाल में ही होते हैं हमारे दोस्तों 505.858 मीटर स्क्वायर। अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो 22.49 यानी कि 22.5 मीटर बाय 22.5 मीटर की एक स्क्वायर आप बना लो तो वो एक कनाल के बराबर होती है। इस एक कनाल में होते हैं दोस्तों 5,445 फुट स्क्वायर या 605 यार्ड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है एरिया एक स्क्वायर का होता है इसके बराबर, साइड स्क्वायर इसको लिए, साइड यहाँ पे रह गया, ये रूट इसका आया, तो यहाँ से आपको एक साइड आ गई 22, तो उसी हिसाब से मैंने आपको ये बताया था दोस्तों। तो उसके बाद आपको एक और चीज़ बताऊं मैं यहाँ पे, आठ कनाल जब मिलते हैं तो उनका मिल के बनता है एक एकड़ या फिर एक किला। तो एक किले में या एक एकड़ में दोस्तों होते हैं हमारे आठ कनाल। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों मरला पे। तो एक मरला जो है दोस्तों वो होता है 272.25 मतलब 272.25 फुट स्क्वायर के बराबर या फिर 30.25 यार्ड स्क्वायर के बराबर या फिर 25.2929 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये आपको दोस्तों समझ आ गया। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो वो आता है 5.0 की स्क्वायर मीटर की स्क्वायर अगर आप बनाओगे, ये 5.029 ये एक मरला होगा दोस्तों आपको। तो इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चली, एक तो पता चला एक मरले में कितने स्क्वायर कितने मीटर बाय कितने मीटर की स्क्वायर बनेगी और कितने फुट बाय कितने फुट की एक स्क्वायर बनेगी, और साथ में पता चला एक कनाल में 22.49 की बनेगी या फिर एक कनाल में 73.79 फुट बाय 73.79 फुट की स्क्वायर बन सकती है, उसको हम एक कनाल कहते हैं या एक मरला कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई और ट्रेडिशनल यूनिट है जो जिसका आपको कन्वर्शन नहीं पता है तो मुझे बता देना, तो मैं उसमें आपको वीडियो बना के उसके बारे में भी बताता हूँ या फिर कमेंट सेक्शन में ही बताता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू मेरी वीडियोज़ देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।